इसराइल हमास युद्ध के बीच रफा में इसराइली सेना को झटके पे झटके लग रहे हैं। रफा से लेकर अल शुजैया कैंप में हमास के लड़ाके इसराइली फौज पर भीषण हमले कर रहे हैं। अल कासिम ब्रिगेड, अल कुज ब्रिगेड और गाजा के तमाम छोटे बड़े प्रतिरोधी संगठन बड़े ही संगठित तरीके से इसराइली सैनिकों को घात लगाकर निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से IDF की गाजा के भीतर पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। हालांकि इजरायली सेना अपनी तरफ से भी लगातार हमास को तगड़ी चोट देने का दावा कर रही है, लेकिन हमास गाजा से जो वीडियो जारी कर रहा है वो कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। जी हां, अब अल कुज ब्रिगेड ने अल शुजैया में इजरायली सेना पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अल कुज का कहना है कि उसने शबोरा, यिबना और तलल सुल्तान में IED विस्फोटक बिछाकर इजरायली सैनिकों के टैंकों पर हमले किए हैं। अल कुज के अबू हमजा का कहना है कि अल कुज के लड़ाके गाजा के अलग अलग इलाकों में अभी भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। और हमास के इन्हीं हमलों को देखते हुए IDF ने ऐलान किया था कि वो अल शुजैया कैंप में अपने सभी हमलों को स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में हमास के लड़ाके लगातार इजरायली सैनिकों पर कहर बरपा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अल कुज ब्रिगेड का कहना है कि उसके लड़ाकों ने अल शुजैया कैंप में IDF की चौकियों पर ताबड़तोड़ तरीके से मोर्टर गोलों से फायरिंग की है। और इन हमलों के बीच अल कुज ब्रिगेड ने राफा के तकद्दुम एक्सिस का एक वीडियो भी जारी किया है, जो दक्षिणी गाजा में स्थित है। यहां पर अल कुज के लड़ाकों ने IDF के जवानों को स्नाइपर ऑपरेशन में ढेर करने का दावा किया है। अल कुज ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे अल कुज का लड़ाका कपड़े में राइफल को छिपाकर एक खंडहर पड़ी इमारत में उसे लगाता है और फिर उसके बाद वो एक स्टूल पर रखे गद्दों पर राइफल को रखकर सामने से भाग रहे इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। और इस वीडियो में दिख रहा है कि आखिरी में IDF का एक जवान भागने की कोशिश करता है और इधर से हमास का लड़ाका उस पर फायर कर देता है और तभी IDF का वो जवान जमीन पर गिर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अल कासिम ब्रिगेड ने भी रफा का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने इजरायली सैनिकों के वाहनों को निशाना बनाने का दावा किया है। अल कासिम का कहना है कि उसने एक बिल्डिंग में छिपे इजरायली सैनिकों पर भी हमला किया है। अल कासिम ब्रिगेड के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जमीन में बनी एक सुरंग में हमास का लड़ाका छिपा बैठा होता है और वो एक रॉकेट लॉन्चर लेकर सुरंग से बाहर आता है और सामने खड़े IDF के एक टैंक पर रॉकेट फायर कर देता है और फायर के तुरंत बाद टैंक में जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद एक लड़ाका हरियाली के बीच छिपकर दूर खड़े IDF के वाहनों पर रॉकेट लॉन्चर फायर कर देता है, जिसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद वीडियो में दूर खड़ा IDF का एक जवान एक बिल्डिंग की खिड़की में नजर आता है, जिस पर अल कासिम का लड़ाका पहले तो घात लगाता है और फिर उस पर फायरिंग कर देता है। इसके बाद इस बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है और आग की ऊंची ऊंची लपटें खिड़की से बाहर निकलने लगती हैं।